हाय एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे? कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में? जल्दी से हैंड रेज करेंगे। पांच ही बच्चों ने हैंड रेज किया, इसका मतलब पांच बच्चे ही प्रेजेंट हैं। आठ बच्चों ने हैंड रेज किया है। ओके चलो, तो लास्ट क्लास में बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे? अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, और फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हम पढ़ रहे थे परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव और गुणा। यहाँ तक हमने सीख लिया था। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा रही हूँ बेटा। जोड़ कब होता है, गुणा कब होता है, ठीक है? जोड़ घटाव गुणा कब कब होता है, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। अगर हमें 3/4 और 2/6 को जोड़ना है, ठीक है, या मैं चलो इसे माइनस भी ले लेती हूँ, -3/4 +2/6, इन दोनों को जोड़ना है। ध्यान दो, यहाँ पे जोड़ का निशान है। जब जोड़ या घटाव इन दोनों में से कुछ भी होगा तो आप क्या करोगे? दो मेथड बताए हैं, दोनों मेथड में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। पहले पहला वाला मेथड समझ लेते हैं। आप 4 और 6 की आपस में गुणा करोगे, कितना आ जाता है? 24 4 आ जाता है। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस गुणा करोगे, -3 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 मैम माइनस आएगा पहले मैम, फिर चिन्हों की गुणा हो जाएगी तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस सभी बच्चे इसी का स्पेशली ध्यान रखें कि माइनस जरूर लगाएं। तो -18, बीच में यहाँ पर अगर प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ। तो यहाँ पर प्लस है, हम प्लस लिखेंगे। फिर 2 की गुणा 4 से कर देंगे तो 1 आ जाएगा। अब मुझे फटाफट से सब बच्चे बताएंगे, -18 + 8 कितना होता है? मैम -10। सभी बच्चे चार्ट बॉक्स का इस्तेमाल करें बेटा, छोटी छोटी चीजें लिखने के लिए चार्ट का यूज करो। कितना आएगा -18 + 8 करके? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कोई बच्चा आएगा जिसको नहीं पता कि -10 कैसे आएगा? बेटा माइनस, एक संख्या माइनस की है, दूसरी प्लस की है। हमें पता है माइनस प्लस माइनस होता है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे 10 आएगा। 18 बड़ा है, 18 के साथ माइनस है, तो 10 के साथ भी माइनस आएगा, तो ये -10/24 हो जाएगा। अब क्या ये दोनों किसी नंबर के टेबल में आते हैं? क्या ये दोनों नंबर यस मैम, हाँ, तो 2 × 5 = 10 होगा, और 2 के टेबल में 12 × 2 = 24 होता है, तो -5/12 आ जाएगा। आगे आंसर समझ में आया सबको? यस मैम, ठीक है। अब इसी को मैं एलसीएम वाले मेथड से भी बता देती हूँ। क्या है यहाँ पर? -3/4 + 2/6। तो सभी बच्चे पहले फटाफट से 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे और बताएंगे चार्ट बॉक्स में कि कितना आया है। बता हाँ, चैट बॉक्स में लिखो। दें मैम, खुल ही नहीं रहा मेरा। नो चैट बॉक्स नहीं खुल रहा है? तो मैम, और कोई भी नहीं लिख पा रहा है क्या? हमारे में तो खुल रहा है। बच्चे बच्चे एलसीएम बताओ ना, कितना आएगा? मैम एलसीएम तो 12 आएगा। अच्छा, और किसी ने किया? यस मैम, यस मैम, 12 आएगा। पहले आप 2 से भाग करोगे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। फिर से 2 से भाग करोगे, 2 × 1 = 2, 3 × 3 = 3, और फिर 3 × 1 = 3, मैम 3 3। है ना? तो 2 × 2 × 3 यानी कि 12। तो सभी बच्चों को एलसीएम निकालना तो आता है ना? कोई ऐसा जिसको नहीं आता तो पूछ लेना बेटा, ठीक है ना? ओके, तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम इस 4 को लेंगे। अब हम देखेंगे कि इस 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है। 3 टाइम्स आता है, 4 3 = 12, 4 3 = 12। और अब इस 3 की गुणा बेटा किससे करनी पड़ेगी हमें? -3 से। तो कितना आएगा यहाँ पर? -9। अच्छा, एक बार म्यूट रखेंगे सब बच्चे, बताओ यहाँ तक किस किस को समझ में आया? मैम मुझे
एंड गेस करो किस किस को समझ में आया, किस किस को याद है, क्योंकि आप लोगों को समझ तो पहले ही आ गया था। ओके, अब वो बच्चे हैंड रेज करो जिसको नहीं आता, ये नहीं समझ में आया है। ओके, फिर इसका मतलब सबको समझ में आ गया है, वेरी गुड। अब फटाफट से बताओ फिर अगला वाले में क्या आएगा, यहाँ पे प्लस में चार क्या है? चार आएगा मैम। यस सभी बच्चे बताओ, ज्योति ने बताया मैम। है ना, 6 के टेबल में 12 कब आता है, 6 2 12, मैम 6 दूनी 12, दो और 2 के गुणा बार, मैम फिर 2 की 2 12, से करेंगे तो मैम 4 आएगा। 4 आ जाएगा। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे, -9 + 4 कितना हो जाता है, -5, तो एक पांच मैम, -5 -5 बटा 12 आ गया ना, आ गया सबको समझ में, क्लियर मैम। है मैम। सबको जोड़ और घटा, वेरी मैम गुड। अब इसी को हम क्या करते हैं, इसी इन्हीं संख्याओं को गुणा भी कर लेते हैं, 3/4 और 2/6 को गुणा भी कर लेते हैं। अब पहले, अब बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने काफी सारी यहाँ पर मिस्टेक्स देखी है बच्चों, आप लोगों की मिस्टेक्स नहीं है वैसे, वो भी ठीक है, ये बिल्कुल ठीक करते हो, आपके अंश की गुणा अंश से, हर की गुणा हंस से हर से, तो 3 की गुणा -2 से होगी तो -6 आ जाएगा, 4 की गुणा 6 से होगी तो 24 आ जाएगा। आप मैम। दोनों को सॉल्व करोगे तो दोनों 6 के टेबल में आते हैं, 6 1 6, 6 6, 6 4 24, तो -1/4 आंसर आ जाएगा, आ जाएगा बच्चों। तो यस सभी को मैम, आ गया, सभी को समझ में आया इस तरह से किस किस मैम वाला, आ वेरी गुड। है गया। ना, अब देखो ये बहुत लंबा पड़ जाता है कभी कभी सॉल्व करना, आप और क्या कर सकते हो, आप देखो अंश का कोई भी नंबर अगर हर के किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है या कट रहा है, यहाँ देखोगे अगर आप 2 अंश में है 4 हर में है, तो 2 1 2, 2 2 4, आप कर सकते हो ऐसा, यस मैम। और इसी तरह 3 1 3, 3 2 6, अब देखो आपके पास क्या बचा, एक तो ये माइनस बचा है, तो -1 की गुणा 1 से 1, 2 की गुणा 2 से, सॉरी -1 2 की गुणा 2 से, तो 4 आ गया, ऐसे करके भी -1/4। मैम अब सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक यस है। मैम, यस मैम। हाँ, अब आपके होमवर्क में जो हमने क्वेश्चन दिए थे, बहुत इजी सा क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, तो ठीक है, 3/11 की गुणा जब हमने 2/5 से करी, सानिया आप बताओ क्या आएगा, छ 55 वेरी गुड, सभी बच्चों का यही आया था, मैम। वेरी नाइस। फिर हमने सेकंड क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन वैसे ज्यादातर बच्चों का क्या, सभी बच्चों का ठीक था, कुछ बच्चों को शायद समझ में भी नहीं आया था, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो, हम क्या अंश का कोई भी नंबर हर के किसी नंबर से काट सकते हैं बच्चों, यस तीन को तीन से मैम, काट दिया, 3 को 3 से काट दिया, पांच को काट 5 से काट सकते दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, ये -1 हैं मैम। 1 गुणा, यहाँ पर भी क्या बचा, -1, मैम तो कितना आंसर आ गया, एक बटा एक मैम, एक ही आएगा। एक आ जाएगा, है ना, हर में अगर एक बचता है, बच्चों अब जिनको समझ में नहीं आता सेकंड क्वेश्चन, अभी समझ में आया, मैम ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं करना है, तो कुछ बच्चों ने गुणा भी की थी, अंश की अंश से गुणा, हर की हर से गुणा, तो -3/5 की गुणा किससे कर रहे हैं आप, -5/3 से। अब ध्यान से देखो, -3 की गुणा जब -5 से होगी, माइनस माइनस तो प्लस, 15 15 15 बेटा, माइनस की गुणा माइनस से तो प्लस, और 5 की गुणा 3 से मैम, तो भी 15, अब 15 15 मैम, ये 3 से रख ये तो डायरेक्ट भाग कर दो ना, 15/15 1, जाएंगे मैम, 15/15 कितना, एक समझ में आया सबको, मैम। यस अच्छा मैम अब थर्ड क्वेश्चन देखो, -1/11 गुणा -11/12, अब यहाँ पर भी इस 11 से ये 11 कट गया, इस माइनस की गुणा इस माइनस से हो गई तो प्लस, यानी कि 1/12। 12 अब बताओ कोई बच्चा जिसको इन तीनों क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, बताओ, सभी को समझ में आ गया तो चार्ट में फटाफट वाई लिखो, क्या मैम? चैट में वाई लिखो अगर समझ में आ गया है तो। ओके ओके, जिसको समझ में नहीं आया वो एन लिखो,
सभी को समझ में आ गया है? मैम वेरी गुड। तो गुणा जोड़ और घटाव, अब तीनों कोई भी बच्चा भूलना मत, हमेशा निशान ध्यान रखो। गुणा का निशान है तो गुणा करो, भाग का निशान हो भाग करो, जमा का निशान हो जमा करो, घटाव का निशान हो घटाव करो। ठीक है बच्चों? अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जो मैंने काफी बच्चों के सोल्यूशन में, वैसे वो आंसर में नहीं था बट काफी सारे बच्चों के सोल्यूशन में मैंने वो चीज नोटिस कर ली है। आपका किसी एक, क्योंकि आपने गुणा की जगह कुछ बच्चों ने उसे जोड़ दिया था, 132 बटा 133 आ रहा था, ठीक है? और आपने क्या किया, फिर इनको भाग किया, 132 को भाग कर दिया 3 से, तो 3 चौके 12 और 3 चौके 12, तो ये 44 आ रहा था, 44 आ रहा था। अच्छा, फिर आपने क्या किया, 133 को भी 3 से भाग कर दिया, तो ये 3 चौके 12 और ये 3 चौके 12, तो क्या आप इसको काट के भी 44 लिखोगे? नो मैम, नहीं लिखोगे ना, क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, समझ रहे हो? रुको मुझे देखने दो, पूरा सॉल्यूशन कहाँ था, मैम ये कौन सा क्वेश्चन था? नहीं ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ये किसी एक की नोटबुक में ना मिस्टेक हुई हुई थी। हाँ 44/44 लिख दिया था फिर आगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये ऐसे हम नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये शेषफल आ रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है। समझ में आया बेटा बात? यस मैम। सभी को समझ में आया? जल्दी से फटाफट बताओ, यस और नो? तोफिया समझ में आया? ऐसे नहीं काटता है कभी भी, है ना? देखो अगर यहाँ पे उसकी जगह क्या होता, आपके पास होता 129, अब आप चेक करते कि क्या 129 तीन से भाग हो रहा है, तो आप चेक करो 129 को तीन से भाग करो, 3 चौके 12 और उतारेंगे हम 9, 3 किया 9, ये भाग हो रहा है। अब आप यहाँ पे 43 लिख सकते हो और इसको क्या लिख सकते हो, 44/43, ये आपका आंसर आ जाएगा और ये ठीक होगा। ठीक है बेटा? आपको ये छोटी छोटी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। अब हम सीखते हैं भाग कैसे होगा। अब भाग में ना बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स होंगे जैसे आपके गुणा में होते हैं, बस आपका एक स्टेप और बढ़ जाएगा और उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखना है सबने। अब हम क्या करते हैं बेटा, जैसे हमें 16 को भाग करना है किससे, 2/7। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में बाद में आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो क्या है, व्युत्क्रम। हमें पहले ये समझना है कि किसी भी संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम में हम क्या करते हैं, अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश बना देते हैं। जैसे 2/7 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बच्चों, 7/2, है ना? अगर है हमारे पास 3/4, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 4/3। सभी को समझ में आया व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? यस मैम। सानिया, चलो सानिया आप बताओ, 3/8 का व्युत्क्रम क्या होगा? मैम 8/3। वेरी गुड, 8/3 होगा। अब सोफिया आप बताओ, 3 का व्युत्क्रम क्या होगा? मैम 1/3। 1/3 होगा, वेरी गुड। अब ज्योति आप बताओ कि 1/3 का व्युत्क्रम क्या होगा? 3/1। 3/1 या फिर हम उसे 3 भी लिख सकते हैं, 3/1 भी ठीक है और 3 भी ठीक है। ठीक है, तो आप सभी को व्युत्क्रम अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम दूसरा, अब हम इस एक बार हमारे बीच में क्लास कर दे। अच्छा किसकी? योगिता। योगिता बेटा व्युत्क्रम क्या होता है पता है आपको? यस और नो? नहीं पता तो बताओ, मैं फिर आपको बताऊंगी ना। योगिता आपकी ना मुझे वॉइस नहीं आ पा रही, आप चैट बॉक्स में लिख दो मेरे को। योगिता 8/3 कैसे, क्या हुआ पता है? हाँ आप कुछ कह रहे थे कीर्ति, ममता, कीर्ति नहीं ममता, आप कुछ बोल रहे हो शायद। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट व्युत्क्रम क्या होता है? नो मैम। फिर हम अब आते हैं भाग पर। अब भाग कैसे करते हैं, पहला स्टेप क्या है कि आपने भाग के निशान को किसमें बदलना है, गुणा के निशान में। और इसी के साथ साथ ये दोनों स्टेप साथ साथ होंगे, दूसरा क्या लेना है,
जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उसका व्युत्क्रम। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहला स्टेप भाग को बदला गुणा में, और साथ ही साथ इसका क्या लिया, व्युत्क्रम ली। आप फटाफट से बताओ 16 × 7/2 कितना हो जाएगा। सभी बच्चे चैट में लिखेंगे, कोई भी माइक ऑन करके नहीं बताएगा। चैट में लिखेंगे सब बच्चे। ओके चैट में लिखो, सबके अलग अलग आंसर भी आ सकते हैं। ज्योति एक बार बेटा चेक करो आप अपनी कैलकुलेशन। मैम अभी हम कर रहे हैं। अच्छा हाँ ओके, मैं ज्योति को बोल रही हूँ बेटा। जो बच्चे 112/2 लिख रहे हैं उसको आगे सॉल्व करो। ओके 11/8 हाँ सानिया 11 कैसे आया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। मैम 11 को, मैम 11 कम 11 दो एकम दो। इसको करा आपने, 12 को ऐसे भाग कर दिया। अच्छा आप सबने क्या किया, पहले 16 × 7 से करी और बटा में 2 रहने दिया, ऐसे किया, यानी कि 112/2 ऐसे किया। अच्छा सानिया 112 को आप 2 से भाग करो, बताओ कितना आता है। 5 × 10 करो, भाग करो, चलो आप खुद ट्राई करो। हाँ जी सानिया किया, कर रहे हैं, कर रहे हो, हाँ बाकी सबने ठीक लिखा है। 56 आ गया सानिया, यस मैम, है ना। अब देखो सभी ने ऐसे किया है, सबने, यस मैम। अच्छा अब मैं देखो, अब आपको मैं ऐसा, अब हम वही वाला मेथड यूज करने वाले हैं इसलिए। हाँ बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, यहाँ देखना भी ध्यान से। 16 अंश में है, 2 हर में है, तो ये दोनों आपस में भाग हो सकता है। 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, तो आपको सिर्फ 8 × 7 से करनी है, आपका आंसर 56 आ गया। भाग नहीं करते, हमने सीधा काट दिया था। कहाँ पे काट दिया था बेटा, मैम 112 को। अच्छा 112 को डायरेक्ट काट दिया था, भाग करना था ना। अगर आप काटते भी 112/2, सानिया काटते हैं तो वैसे काटते ना, 2 से, अगर हम अंश को 2 से काट रहे हैं तो हर को भी 2 से काटना पड़ेगा, और ये आएगा 2 × 5 = 10, एक इधर चला जाएगा, 2 × 12, तब भी 56/1 आएगा। ठीक है सानिया, यस मैम, अभी सभी को समझ में आ गया। यस मैम, यस मैम। ओके चलो अब इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा कर देती हूँ, 2/7 को भाग करना है आपको 16 से। अभी मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, जो सॉल्व करता जाएगा वो अपना हैंड रेज कर देगा। मैम मैम ये जो 100 लगनी चाहिए, एक लगा सकती है ना मैम? बिल्कुल लगा सकते हैं।
ओके ओके क्योंकि शिवानी और गीता, शिवानी वर्षा और गीता में पढ़ लिया हमने। ठीक हाँ जी, बाकी कोई नहीं करा है अभी तक किसी ने? और किसने कर लिया है? महक ने कर लिया है। हाँ जी, बाकी वेरी गुड। फटाफट से 5 सेकेंड और दे रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। ओके वेरी गुड। अब फटाफट से आंसर लिखो, सब अपने अपने आंसर टाइप करो। अभी तक मेरे पास किसी के भी आंसर नहीं आया। यहाँ पे आंसर ने सॉल्व कर लिया तो मैम हमने भेज दिया। ओके ओके चलो लेट्स सी। आपने क्या किया होगा? पहले 2/7 भाग को बदला होगा गुणा में और 16 का व्युत्क्रम लिया तो 1/16 ये किया, या फिर मुझे बताओ आपने किया ये ए किया कि बी किया? कोई किया बच्चा ऐसा जिसने बी करा? नॉर्मल। सबने ए किया, वेरी नाइस। हाँ, क्योंकि काफी बच्चे वाली मिस्टेक करते हैं। वेरी गुड, आप में से किसी ने नहीं करी तो ये बिल्कुल ठीक किया यहाँ तक सबने। अब देखो, 2 अंश में है, 16 हर में है, तो 2 एकम 2, 2 8 16। अब आपको क्या करना है? 1/7 × 8 कितना आ जाएगा आंसर? 1/56 अब जल्दी से बताओ किस किस का ठीक हुआ है। वेरी गुड। हाँ जी, मेरा। गीता गीता 8/7 या 7 × 8? मैम 1/56। 1/56 आना चाहिए था। आप शायद व्युत्क्रम लेना भूल गए होंगे इसलिए ये हुआ है। सभी को बताओ, आप सभी का ठीक हुआ ये? सभी को समझ में आ गया अच्छे से? यस वेरी नाइस। ठीक है, मैम अब जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। 15/3/4। ठीक है, चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ इसको। सब बच्चे सॉल्व करेंगे इसी तरह। सॉल्व करेंगे तो हैंड रेज करना। वेरी गुड, वेरी फास्ट, वेरी क्विक। ज्योति और वंदना और महक है ना? वंदना ही है ना मुकेश की आईडी से? वेरी, मैम चलो वंदना का नाम भी याद हो गया है मुझे। गीता, ओके गीता ने भी कर दिया है, सानिया ने कर दिया है। चलो फटाफट से 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है, सभी अपने अपने आंसर्स देंगे यहाँ पर। चैट में लिख दो बेटा आंसर। ज्योति, गीता, सोफिया, ममता, कीर्ति, योगिता, वंदना, ओके।
हाँ 20/1 को जो होती 20 लिखते हैं। मैंने 20 लिखा। अच्छा सब अगर हाँ आपने पहले ठीक लिखा था तो सभी 20 बोल रहे हैं तो आई गेस 20 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, भाग को गुणा में बदलेंगे, 3/4 को 4/3 लिखेंगे तो अब क्या हो जाएगा ये 3 × 5 = 15, 5 × 4 = 20। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी है, ऐसे करनी है कि आप कैलकुलेशन फटाफट कर पाओ, है ना। सभी को समझ में आ गए क्वेश्चन किस तरह से करने हैं? यस मैम। कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आए? चलो अब फटाफट ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी करेंगे, चैट बॉक्स में फिर से बंद कर रही हूँ। कैलकुलेशन ट्राई करो कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। -35 को भाग करना है 7/4 से। वेरी गुड। पांच बच्चों ने कर लिया है, ज्योति, वंदना, महक और सोफिया, गीता, ममता, मैम, वर्षा, शिवानी। हाँ जी योगिता। मैम ये कह रहे मैम हमने काट दिया मैम 35 और 7 को काट दिया मैम। अच्छा 35 और 7 अच्छा काट दिया, ठीक है। हाँ बोलो। उसके बाद मैम वो क्या स्टेप था मैम भूल गए हम। उन्हें बस सॉल्व कर दो ना। चलो मैंने चैट बॉक्स, अच्छा चलो ठीक है चैट बॉक्स मैंने खोल दिया। योगिता आप बताओ क्या किया है आपने? मैम पहले हमने उसको विक्रम रूप में बदल दिया। हाँ व्युत्क्रम, क्या? विक्रम, हाँ ऐसे लिख दिया, यस मैम। ठीक है। काट के क्या आया आपके पास? मैम माइनस 7 × 5 = 35। हाँ 7 × 5 = 35, ठीक है। अब यस 5 × 4 से करेंगे तो 20। 20, और ये माइनस है, और इस माइनस की गुणा प्लस से, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, इस 5 के साथ माइनस चलेगा ना, 7 × 5 = 35, इस 5 के साथ माइनस रहेगा यस मैम। ये माइनस, तो माइनस 5 × 4 कितना हो जाता है? -20। -20। अभी समझ में आ गया योगिता? यस मैम। वेरी गुड। और यहाँ पे जितने बच्चों ने आंसर लिखा है उन सब का भी ठीक है, वेरी गुड। ज्योति, महक, सोफिया, वंदना, ममता, सानिया, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया? मैम ऐसे करना है yes, मैम। काट के जो संख्या आ रही है हाँ उसकी गुणा जो मैम जो साइड में है उसी उससे बिल्कुल, गुणा गुणा कर हाँ बिल्कुल 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 ऐसे ही होगा। देखो अगर क्वेश्चन क्या होता, मान लो अभी यहाँ पर क्या था, -35 को हमें भाग करना था 7/4 से। अब मान लो यहाँ पर होता इस तरह से कुछ क्वेश्चन होता तो आप क्या yes. करते, -35/20 भाग को गुणा में बदला, इसको ले लिया 4/7। अब आप यहाँ पे देखोगे 7 × 5 = 35 तो ये क्या बन गया अब आपके पास, और यहाँ पर आप देख सकते हो 4 × 5 = 20। आपके पास क्या बचा, -5, यहाँ पर भी एक बचा, यहाँ पर भी एक बचा। अगर आप देखो 5 × 5 = 25 -5 × 1 यहाँ से देखो -5/5 जो कि -1 के बराबर होगा। समझ में आई बात? यस मैम। काफी स्पेशली ध्यान रखना है, आप किस संख्या को काट रहे हो उसे भी ध्यान रखना। ओके मैम। बताओ सबको, कोई सबको क्लियर, किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। अगर मैं यहाँ पे -4 कर देती हूँ फिर आंसर क्या आएगा आपका? अगर मैंने यहाँ पे -4 कर दिया आप आंसर क्या आएगा बच्चों? मैम कहाँ पे, अच्छा सॉरी मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ये -4 है। अब बताओ क्या आंसर आएगा, सो वेरी रिस्पेक्ट। शुरू से सॉल्व करें मर्जी आप लोगों की, इस
किसी को ऐसे ही पता चल रहा है कि आंसर क्या आएगा वैसे ही बता दूं। हाँ जी देखो, माइनस 35/20 ऐसे ही रहेगा, भाग में बदल जाएगा। हाँ बताओ मैम, माइनस 10 अपॉन 1 या फिर 10 माइनस 10। ओके ये आ गया, पहले ये बताओ। हाँ यस मैम। अब आपने क्या किया, चलो ज्योति आप ही बताओ आपने क्या किया पहले। ओ मैम, मैंने 20 की जगह 2 कर दिया। हाँ देखो, 7 को हम भाग कर सकते हैं, 7 × 5 = 35, या आप ऐसा करो माइनस 35 को 7 से भाग कर लोगे तो माइनस 5 आएगा। अब ये आपकी मर्जी है, चाहे तो इस माइनस को लिखा रहने दो यहाँ पर या फिर उस माइनस को बाद में करते हैं। इजी ये रहेगा, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दो, और इस माइनस 4 को जब 20 से भाग करोगे तो कितना आएगा, यहाँ माइनस 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा। तो अब आपके पास क्या बचेगा, माइनस 5 गुणा माइनस 1 चार एकम चार और 4 × 5 = 20 होते हैं। ओके सॉरी, 5 आना चाहिए था। यस थैंक यू। अब आपके पास माइनस 5 गुणा माइनस 1 कितना हो जाता है मैम, +5। प्लस के 5। अब उसके लिए तो देखो आप शॉर्टकट क्या कर सकते हो, हमेशा यहाँ पर भी आपके पास माइनस है, ठीक है एक मिनट, माइनस 35/20 गुणा माइनस 4/7 ये आ जाएगा आपके पास। तो ये माइनस और माइनस पहले ही प्लस हो जाएंगे, समझ रहे हो बात को, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना बच्चों। यस मैम। तो आपके पास ये बचेगा, बस माइनस हट जाएगा। हाँ मैम, है ना। अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, 7 × 5 = 35, 4 × 5 = 20, और इस 5 से ये 5 फिर से कट गया तो 1 बचेगा आपके पास। अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो ये माइनस 7 चलता, समझ में आई बात। यस मैम। समझ में आ गई सबको अच्छे से। यस मैम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देती हूँ मैं करने के लिए। ये क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, बट ध्यान से करो, सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे। चलो हल कीजिए, 85 को भाग करना है 85 को। मैम इसका आंसर कहाँ पे करना है बेटा, फोन में करना है शिवानी। ओके मैम, पता है ना कैसे करते हैं। यस मैम। वेरी गुड। आराम से सोच समझ के, कोई जल्दी नहीं है, जितना टाइम लेना है लो, बट क्वेश्चन सही करना है, कैलकुलेशन आराम से करना। ओके एक एक स्टेप ध्यान से करो तो क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल सही होगा। वेरी गुड। अभी 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है। हाँ जी, बाकी बच्चों को किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो। महक, सोफिया, योगिता, कर रहे हो बेटा, सानिया हो गया, हो गया? अच्छा सानिया, योगिता,
रहे हैं। कर रहे हो? ठीक है, जब हो जाए तो बताना। मैम कर दिया हमने। किस किस ने कर? वंदना आपने किया? चलो 10 सेकंड्स और। तानिया बेटा समझ में नहीं आ रहा है क्या? वंदना मैम हमारा हमने कर दिया। हाँ, 1 मिनट। अच्छा ममता आपने करा? हाँ, किसका? कोई कुछ बोल रहा था, किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या? प्रॉब्लम आ रही है बताओ। मैम हमने कर दिया। मैम अच्छा 10 सेकंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6। 3 बच्चे ऐसे हैं बेटा जिन्होंने नहीं किया। टाइम अप होने के बाद अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो बताओ, नहीं तो फिर पोल सेक्शन बंद हो जाएगा। हमने कर दिया। हाँ 5, 4, 3, 2, लास्ट का 1। चल अब पोल में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, जितने बच्चों ने करना था कर दिया। चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। बच्चे ध्यान से देखो, अब गड़बड़ कहाँ हुई है वो आप लोग बताना मुझे। 85 गुणा 16/17, यहां तक सबने सही किया है मुझे लगता है, यस ठीक है? ओके फिर। क्या 17 के टेबल में 85 आता है? यस मैम, यस आता है। मैम, पहाड़े यस 20 तक तो सबको याद होंगे, ठीक मैम, है? अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, भाग करके मैम देखना है। 17/85 और 17, 5 गुणा में हाँ 16, पचास, मैम अब हमें करना है 16 पांच पंजे गुणा 16 80, तो 80। मैम आपके आंसर आ जाएगा इसका। अब बताओ किस किस को समझ में नहीं आया? समझ में आया सबको? सभी यस मैम, को? यस मैम, अब बताओ रॉन्ग यस किस मैम, का हुआ था? रॉन्ग किस किसका हुआ था? यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है 4 बच्चों का गलत हुआ था। मेरा तो सही हुआ था। अच्छा, जिनको जिनका रॉन्ग हुआ था उन्हें समझ में आया करा और तो तुम्हें बता ठीक सकती। यस मैम। ओके चलो अभी रुको, मैं एक क्वेश्चन देती हूँ। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और बताएंगे क्या आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो सकती है बट सॉल्व करो इसे, आराम से टाइम लो। योगिता माइक बंद करिए बेटा आपका। ओके ज्योति ने कर लिया है। शिवानी, वर्षा, क्या बात है, काफी सारे बच्चों ने कर लिया है। 5 बच्चों ने कर लिया। फटाफट से 10 सेकंड और। कैलकुलेशन पास करो अपनी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो अभी आंसर लिखेंगे साहब फटाफट से। चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे क्या आया है। 1 मिनट। हाँ अब लिखेंगे। सबके आंसर एकदम से आ जाने चाहिए। ओके मैम, हाँ जी। हमारे फोन में बिल्कुल बैटरी नहीं, ऊपर से लाइट भी नहीं आ रही है। अच्छा कितनी बैटरी है? मैम 1%, मैम टॉर्च भी अच्छा बंद हो गई। ठीक चलो कोई बात नहीं, आप कल की रिकॉर्डिंग देख लेना। नेक्स्ट क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है? मैम। ओके। हाँ जी बच्चों, चलो तो
आपने क्या किया, 84/39 भाग को आपने गुणा में बदला और 13/12। यहाँ तक सबने सही किया मैम? यस मैम। अब हमें पता है 13 दिया 39 होते हैं, है ना, और 12 के पहाड़े में 24 कब आता है? 7 मैम, 7। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 7/3। हाँ, अब किसी एक में शायद मल्टीप्लाई कर दिया था। सोफिया मैम वो मेरे से हो गया था। हाँ, अभी समझ में आ गया ना अच्छे से? यस मैम। वेरी गुड। चलो अभी मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ करने के लिए। ये रहा क्वेश्चन, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। मैम एक बड़ा करके लिख दो। हाँ वो मैं लिखती हूँ, बस एक मिनट दो मुझे। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, 8/9 को भाग करना है 84/81 से, सॉरी 64/81, 84 नहीं 64/81। मैम हाँ जी। बोलो बोलो। मैम ये 8 और 9 का भी व्युत्क्रम रूप होएगा? नहीं, जिस संख्या से भाग करते हैं उसका व्युत्क्रम होता है हमेशा। ओके मैम। मैंने कर दिया। वेरी नाइस। ध्यान से करो क्वेश्चन। बच्चों मैं फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से करो, व्युत्क्रम लो। व्युत्क्रम नहीं ले रहे हैं काफी बच्चे। और ऑप्शंस भी ध्यान से देखा करो हमेशा। ओके अभी तक 6 ही बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे कर रहे हैं। सानिया या हाथ हैंड रेस तो 7 बच्चों का है, बट आंसर मेरे पास 6 ही बच्चों का आया है। किस किस ने कर दिया है? सोफिया, योगिता, महक, शिवानी, वंदना, ममता, कीर्ति, गीता, सानिया, आप सबने कर दिया है? यस मैम। अभी भी 3-4 बच्चे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं किया है। चलो 5, 4, 3, 2 and 1। चलो चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, अब देखो बताओ क्या आंसर होना चाहिए था इसका। बी। ओके, और कोई? सभी बच्चे बी बोल रहे हैं। सबने जो जो आंसर किया है बेटा वो लिखो, जिसने जो आंसर किया है। ओके दी, दी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 8/9 भाग को बदलेंगे गुणा में 81/84। बताओ यहाँ तक किस किस का ठीक था? हमारा, मेरा, हमारा। ओके वेरी गुड। अब हमें पता है 9 के टेबल में 81 आ रहा है, 9 9 81, 8 के टेबल में 64 आता है 8 का, तो क्या आना चाहिए था बच्चों? 9/8। ठीक है, हाँ, बट आपने शायद ऑप्शन ध्यान से नहीं देखे, और कुछ बच्चों ने क्या करा है गुणा कर दिया उसके बाद।
हमारा तो ठीक था मैम, हमारा भी सही है। सही है, कोई बच्चा जिसका रॉन्ग हुआ है बताओ बेटा। अगर कोई स्टेप ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो पूछो, सब कुछ समझ में आया। मैं हमारा गलती में सर डूब गया था बेटा, ऐसे नहीं करना आगे से, ठीक है? एकदम सही सही से ऑप्शन देखना है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि -19/27 इसको भाग करना है किससे? 57/81 से। अब क्या चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर? ये माइनस बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले सब बच्चे इसे सॉल्व करो और उसके बाद मैं पोल को ओपन करूंगी ताकि आप वहां पे आंसर कर पाओ, ताकि कोई भी जल्दबाजी ना करे। अपने आंसर को दो बार देखो और उसके बाद आंसर किया करो। मैम क्वेश्चन कौन सा है? 91 वाला क्वेश्चन ना। आपके पास कौन सा क्वेश्चन भी क्या लिखा हुआ है गीता, मुझे ये बताओ। जो हमने अभी कर लिया। अच्छा रुको, मैं ना दोबारा से स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ बेटा, ठीक है? उसके बाद आंसर करना, शायद फिर क्वेश्चन आ जाए आपको नजर। मैं फिर से बोल रही हूँ बच्चों, माइनस प्लस का ध्यान रखो। मैम अब आ गया ना क्वेश्चन? ओके तीन चार बच्चों ने आंसर कर दिया। ओके गुड, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछना। हाँ जी सानिया, सोफिया, महक, आप लोगों ने किया? कर रहे हो? ओके ठीक है, आप लोग करो करो आराम से करो। ओके 5 सेकंड और। हाँ जी कर लिया सबने? महक आपने किया? महक चलो 5 सेकंड और लास्ट पे। हाँ क्या हुआ महक? फाइव फोर थ्री टू And one. चलो अब बताओ सब अपने किस किस ने क्या क्या आंसर किया है।
किस किस ने क्या आंसर किया, सब अपने जनरल आंसर लिखो। मैम मेरा फर्स्ट है। ओके और मैं हमारा फर्स्ट है, आपका भी फर्स्ट है। ठीक है मैं लाइन वाइज पूछती हूँ, धारा सिंह की आईडी से कौन है? सान्या आपने क्या किया है एबीसीडी में से? तीसरा। ठीक है ओके। महक आपने? सेकंड। सेकंड किया है ओके। और कीर्ति आपने? मैं हमने फर्स्ट किया है। फर्स्ट किया है ओके। वंदना बेटा माइक बंद कर लो। वंदना आप बताओ। ओके योगिता ने अपने आंसर लिख दिया। शिवानी और सोफिया आप दोनों भी बताओ। अब देखते हैं, देखो जिससे जहां पर भी मिस्टेक हुई होगी वो ध्यान से देखना। पहला स्टेप तो ये है कि -19/27 डिवाइड को गुणा में बदला और ये आ गया 81/57। बताओ ये तो किसी ने रॉन्ग नहीं किया होगा। ओके चलो अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सब बताती हूँ। क्या 81, अच्छा 19 का टेबल किसी को आता है? अगर आप देखो 19, मैम हमने 19 की जगह 9 रख दिया। हाँ देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है ना, 3 × 3 = 4 = 5। तो 19 * 57 होते हैं। बताओ ये बात सबको समझ में आ गई? मैम यस मैम। अब देखो क्या 3 81 जो है वो 3 या फिर 27 या 81, देखो 81 और 27 दोनों किसी टेबल में कट जाएगा, 3 के टेबल से भी और 9 के टेबल में भी तो दोनों आते हैं। 9 * 3 = 27 दोनों आते है ना, 9 * 9 = 81। बताओ यहाँ तक किस किस को समझ में आया है ना? अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ये माइनस इसकी गुणा 9 से करी तो -9 आ जाएगा, आएगा बताओ यस और नो? यस मैम। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस 3 की गुणा इस 3 से तो भी 9 आ जाएगा मैम। अब बताओ आंसर क्या आना चाहिए एबीसीडी में से? मैम ए -1। योगिता ए कैसे आएगा? योगिता बेटा -9 को आप 9 से भाग करो। -1 हम -1 आएगा ना। वंदना क्या आएगा बेटा आंसर? -1 आएगा। वेरी गुड, समझ में आ गया सबको? हाँ तो बच्चों ये मिस्टेक्स नहीं करनी है कि आप गलत ऑप्शन दबा रहे हो या कुछ भी। ठीक है अब बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम अच्छे से आया है। बच्चों थोड़ी सी ना प्रैक्टिस की, बहुत थोड़ी नहीं काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ जाएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन और देती हूँ। वेट ये क्वेश्चन है 7/14, इसको आपने भाग करना है किससे? -2। चलो फटाफट बताओ आंसर क्या होगा। हो गया, चैट बॉक्स में आंसर लिखो आप अपना। ओके महक ने कर लिया है, और कोई?
हाँ जी जिसने कर रहा है सोफिया लिखो चैट बॉक्स में आंसर बताओ क्या है सब अपना अपना आंसर जो भी आया है सोफिया बेटा चैट में लिखो ना कि आंसर आया है सानिया हाँ सानिया आप लोग भी करो सब बच्चे करो ठीक है बेटा भी चेक करेंगे रुको बच्चे इतना टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में ओके और किसी ने किया योगिता सानिया मैम हमें ये समझ में नहीं आया चलो ठीक है 7/14 भाग को गुणा में बदला और -2 का व्युत्क्रम क्या होगा योगिता बटे -2 माइनस भी तो साथ में चलेगा अब बताओ किस किस को यहाँ तक सभी का क्लियर है यस मैम ठीक है अब देखो यहाँ पर आप ये स्टेप वैसे शुरू में भी कर सकते थे आपको क्या दिया गया अगर 7/14 दिया गया है उसको भाग करना है -2 से तो आप 7/14 7 × 7 = 14 ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट कर सकते हो yes, ना ma'am. ऐसे भी कर सकते हो आप ठीक है चलो अगर उस स्टेप में नहीं किया तो कोई बात नहीं एक बार देख लेंगे अभी हाँ 7 × 7 = 14 तो बच्चों आंसर क्या आ गया 1/4 या फिर आप उसे -1/4 भी लिख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा -1/4 भी लिख सकते हो ठीक है ठीक है बच्चों समझ में आया मैम चलो क्लास को एंड करते हैं बच्चों लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत